अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेड वर्जन। और आज आपके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट लेकर आया हूँ जिस पे आप अपना कारोबार को ऑनलाइन कर सकते हैं। अपना जैसे आपकी एक दुकान है, इसी तरह ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में आपका एक स्टोर क्रिएट हो जाएगा और आप दराज और इसी तरह अमेजोन ईबे इन सब वेबसाइट की तरह आप ही अपना कारोबार ऑनलाइन कर सकते हैं और अपने कारोबार को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शॉपिफाई की। शॉपिफाई मैंने लिखा गूगल पे, तो इसको हम ओपन करते हैं और इसकी ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। तो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर गए तो जैसे ही हमने इसके ऊपर वेबसाइट पर आए तो इधर हम अपनी अब ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करेंगे। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ए फ्री पे क्लिक करते हैं। तो ये कह रहे हैं स्टार्ट योर फ्री 90 डे ट्रायल ऑफ शॉपिफाई। तो ये हमें मैक्स ये हमारा तकरीबन 3 मंथ का पीरियड है, 19 डे। तो इधर 90 डे में हमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, हम अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं। तो इधर अब हमने अपनी ईमेल लिखनी है। तो इधर मैंने अपनी ईमेल लिखी, आपने ईमेल लिखनी है। उसके बाद आपने इधर अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर किया तो अब आपने अपना स्टोर ओपन का स्टोर का नाम लिखना है। तो स्टोर का नाम आपने क्या लिखना है जो आप कारोबार करते हैं, डेफिनेटली वही लिखेंगे। अदरवाइज आप कुछ और लिखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको इधर स्टोर बनाने का। तो चले इधर हम अपने स्टोर का कोई नाम लिख लेते हैं, कोई भी लिख देते हैं, स्टूडियो लिख देते हैं, जैसे TWA। तो मैंने TWA स्टूडियो लिख दिया। नहीं ये नहीं, स्टोर कोई वो होना चाहिए जिसका पता हो। तो इधर अपने चैनल का नाम लिख दिया है। तो मैंने इधर लिख दिया स्टोर नेम डेट वाजन। तो अभी आपने सोच कर लिखना अपने स्टोर का नाम क्या है, अपने कंपनी का नाम क्या है, वो आपने लिखना है, अदरवाइज आपको मसला आएगा। तो क्रिएट योर स्टोर, तो जैसे ही मैंने क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक किया, अभी ये हमारी लोडिंग हो रही है। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होती है तो देखते हैं क्या आ गई सामने। था इसको इनेबल कर देते हैं, अगर सेव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं अभी हमसे कौन सी डिटेल ये दोबारा मांगते हैं। ये देखा सक्सेस योर स्टोर इज रेडी टू गो। तो अभी ये देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन हमारे पास आती है। डेफिनेटली अभी एक दो और चीज़ें मांगेंगे। अब कोई इन्फॉर्मेशन तो जस्ट मांगनी चाहिए नहीं हो, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अपने स्टोर का नाम बताया। हाँ ये आ गया है, टेल अस अ टाइटल अबाउट योर सेल्फ। टेल अस अ लिटल अबाउट योर सेल्फ। तो अभी इधर आपसे यह होगी कुछ ऑप्शन पूछ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं आर यू ऑलरेडी सेलिंग। तो इधर से आपने कर देना है आई एम नॉट सेलिंग। तो डू यू हैव समथिंग टू सेल। ठीक हो गया, इधर यस कर देते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ योर करंट रेवेन्यू। तो इधर हम आप जो चाहें कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इधर ज़ीरो कर देते हैं स्टार्टेड, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट करना है। तो इधर आपने सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये आपके पास आ गई, विच इंडस्ट्री विल यू बी ऑपरेटिंग इन। तो यहाँ से आपने बहुत सोच समझ के अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है, क्योंकि जिस तरह की आप यहाँ से अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे तो वही आपके सामने उसी तरह का फॉर्मेट आएगा। तो इधर से हम कर लेते हैं, मैं इधर जस्ट वैसे ही कर रहा हूँ फोटोग्राफी, आर्ट एंड फोटोग्राफी। तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे यस करेंगे तो अब इसको नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो ये हमारी से हमसे ना कुछ मांग रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपका नाम। तो आपने इधर अपना नाम लिख देना है, उसके बाद एड्रेस लिख देना है। तो मैंने इधर अपना एड्रेस लिख दिया, अपार्टमेंट सूट इधर छोड़ देते हैं, ऐसे सिटी लिख देते हैं, इतने डीपली घूम जाए। इधर पाकिस्तान किया, पोस्टल कोड किया। पोस्टल कोड आपने गूगल में चेक कर लेना है क्या है, इधर देख लेते हैं अभी।
52256। तो इधर से कैंसिल कर लेते हैं, सॉरी मैंने बॉल लिख दिया। तो यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ आपने बिजनेस और पर्सनल वेबसाइट, तो अगर आपकी हुई तो वो लिख दीजिएगा। फ़ोन नंबर कह रहे हैं एंटर वैलिड फ़ोन नंबर, तो ये फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा। तो इधर आप अपना फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, मुझे फोन नंबर देख के एंटर में स्टोर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होती है तो ये आपके पास से आ गया डेट वाजंस, आपका स्टोर रेडी है। उसके बाद ये आपकी आपने इधर योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड सिलेक्ट ए प्लान पे क्लिक करते हैं। तो आपने कौन सा प्लान यूज करना है, आपने अगर 3 मंथ आपका फ्री होगा इसके बाद तो आपको पे करना पड़ेगा ना। तो यहाँ आपने देख लेना है आपने बेसिक पे, अभी आपने चूँकि न्यू बनाना है स्मॉल बिजनेस के लिए तो आप इधर बेसिक पे ही जाएं, तो बेसिक ही ठीक है। तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, 30 डेज आपके फ्री हैं, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके तो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका हो गया आपका, ये देखिए ट्रांजैक्शन फीस 2% होगी, उसके बाद स्टाफ अमाउंट 2, स्टाफ अमाउंट लोकेशन 4 होगी। तो ये काफ़ी सारे अगर आपको इसमें आ जाते हैं एडवांस Shopify में तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे ही आपका बिजनेस प्रमोट होता जाएगा तो आप इधर से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, होम में आते हैं तो ये देखें दोस्तों होम में आपके पास ये काफ़ी सारी बता रहे हैं। इधर से अब आपने कस्टमाइज थीम, इधर आपने ऐड ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐड करनी है आपने। लोडिंग हो रहा है अभी, तो ये जैसे ये लोडिंग हो गया आप देखें इधर से आप अपनी मर्जी से अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह, और आपने ये देखे चले मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। इधर टाइटल लिखना है, इधर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद ये मीडिया में आपने ये पिक्चर्स लगा देनी है, उसके बाद ये प्राइसिंग में आ गया आपने इधर प्राइस वगैरह आपने लिख देनी है, कॉस्ट पर आइटम लिख देनी है। उसके बाद ये देखे यहाँ पे आपने स्टॉक इसमें यूनिट स्टॉक कीपिंग यूनिट इसमें बता देना है, उसके बाद ये क्वान्टिटीज़ आपके पास अवेलेबल कितनी होगी ये बता देना है, उसके बाद शिपिंग दे बता देना है, वेट उसका बता देना है। उसके बाद ये देखिए कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये इधर से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो इधर से कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, इधर हारमोनीज सिस्टम कोड आपके पास आ जाएगा। तो इधर से आपने सारा कुछ जो है लिख के तो उसके बाद इसको सेव कर देना। तो जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपके पास आपके प्रोडक्ट्स में चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आप सर्च इंजन इसकी करवाना चाहे तो इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करवा सकते हैं। ये देखें सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, इधर पेज टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यूआरएल इसका लिख के तो इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स में आपके पास काफ़ी चीज़ें इसी तरह की आपके पास आएंगी। ट्रांसफ़र इन्वेंट्री में भी देख लेते हैं, उसके बाद कलेक्शन में देख लेते हैं, होम पेज आपके पास कलेक्शन में आ रहा है, ऑर्डर्स इधर से आपने चेक कर लेने हैं कौन सा ऑर्डर आपके पास आया है। मार्केटिंग में देख लेते हैं मार्केटिंग में कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास आते हैं, ऑनलाइन स्टोर सेशन, तो यहां से मार्केटिंग भी आप अपनी कर सकते हैं। इसको सेटअप फेसबुक मार्केटिंग, उसके बाद ये देखें सेटअप गूगल शिपिंग शॉपिंग, उसके बाद ये देखें काफ़ी सारी ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं स्नैपचैट के ऊपर, उसके बाद ये काफ़ी ऑप्शन आपके पास आ रही हैं, यहाँ से मार्केटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी आप डिस्काउंट में भी देखें तो ये ऑनलाइन स्टोर, ये एक मिनट अभी लोडिंग हो रहा है, जैसे ही लोडिंग होता है तो इसका ऑनलाइन स्टोर में देख लेते हैं किस तरह का हमारा ऑनलाइन स्टोर नजर आ रहा है।
ये ऑनलाइन स्टोर अभी लोडिंग हो रहा है, जैसे ही लोडिंग होता है तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों। ये वैसा अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो आप इधर से अपना जो है ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्लॉथिंग शॉप है, और उसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ बनाते हैं, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, स्मॉल बिजनेस कोई भी है, तो आप यहाँ से अपना ऑनलाइन जो है बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मतलब तो आज के दौर में दुकान पे जाना, शॉप किसी शॉप पे जाना बहुत ही मुश्किल है, वो टाइम नहीं इतना, कहीं जा के लोग जा के कुछ चीज़ खरीदें। तो इसीलिए देखिए, इसी तरह अमेज़ोन है, तो अमेज़ोन भी इसी तरह आपका जो है वो दुनिया की नंबर वन वेबसाइट है ऑनलाइन। तो यहाँ इसी तरह आप भी अपना स्टोर क्रिएट करें और अपने बिज़नेस को प्रमोट करें। तो ये देखिए, इस अभी कस्टमाइज इसको कर देते हैं। तो इधर से अपने स्टोर को जो है वो कस्टमाइज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका स्टोर अब आपके सामने आ गया, जहाँ से आपने अपने स्टोर का इमेज विद, तो ये देखें, ये होम है आपके स्टोर का। अगर आप इसको चेंज वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, कैटलॉग में आ जाते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, इधर आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो भी ऐड करनी है, योर प्रोडक्ट्स नेम, और इधर आपने अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। थीम सेटिंग में आ जाए तो थीम सेटिंग में भी काफ़ी आपके पास, ये देखिए सेल प्राइस में कलर आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सेव करते हैं इसको। तो ये देखें दोस्तों, ये आपकी जो है आपका जो है स्टोर क्रिएट हो गया। तो यहाँ से आप देखें सोशल मीडिया, उसके बाद सेलेक्ट इमेज, इधर से मीडिया, सोशल मीडिया से भी इमेज जो है उधर शेयर कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। देखें मोबाइल पे आपका स्टोर इस तरह नज़र आएगा। उसके बाद अगर आप सिस्टम लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ से इस तरह आपकी प्रोडक्ट शो होगी। ये देखें दोस्तों, यहाँ से आप कर सकते हैं अपना ज़बरदस्त किस्म से, आप ज़बरदस्त किस्म का आप यहाँ से स्टोर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको मैं कंप्लीट एडिट करके दिखाऊंगा तो वो आप काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपने यहाँ से अपने स्टोर को एडिट करना है। अरे कोई और ऑप्शन अगर अच्छा ही पसंद नज़र आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। ये देखें, ब्लॉग पोस्ट में अगर आप जाएँ तो ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट है, पोस्ट ब्लॉग पोस्ट भी अगर आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ आपने जस्ट टाइटल, करंट डिस्क्रिप्शन डालनी है। उसके बाद ये देखें, ये सारी आपकी पोस्ट ब्लॉग जो होते पेज में जाएं तो पेज में भी आपको कुछ और दिखा देते हैं। तो ये देखें, पेज आपका आ गया। उसके बाद डोमेन में देख लेते हैं, इसमें क्या था नेविगेशन में, तो ये ठीक है अपनी। उसके बाद डोमेन में आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये आपका डोमेन होगा डैट वाज हंस डॉट शॉपिफाई डॉट कॉम। अगर आपने डोमेन बाय करना तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। वहाँ से आपने डोमेन का नाम लिख के इसको बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो आपको पैसे देने पड़ेंगे तो फिर अगर आप दे सकते हैं तो डोमेन बाय कर सकते। तो ये सेटिंग में भी आप इसकी सेटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। बिलिंग में आप अपना बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ये देखें, पेपाल है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड है। इधर क्रेडिट कार्ड आप अपना ऐड कर सकते हैं। इधर क्रेडिट कार्ड ऐड करके जस्ट आपने इधर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीबीसी नंबर, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम एड्रेस, उसके बाद अपार्टमेंट, अपना सिटी वगैरह, अपना पाकिस्तान कोड करके कन्फर्म कर देंगे तो ये आपका कम्प्लीट जो है आपका बिलिंग एड्रेस, बिलिंग भी मुकम्मल हो जाएगी। पेमेंट आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।